जब देश प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है तो दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों को सार्थक कर देने वाली एक सफलता की कहानी के साथ में फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच में। और हमारे कोचिंग सेंटर से एक और बच्चे का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है, और जानते हैं बच्चे से कि उनका क्या नाम है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, और कैसे कैसे और कौन सी जॉब में उनका सिलेक्शन जो है हुआ है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं औरंगाबाद गांव से आता हूं, और मेरा सिलेक्शन अग्निवीर आर्मी जीडी में हुआ है। अग्निवीर आर्मी जीडी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और गांव का नाम क्या बताया आपने? औरंगाबाद। औरंगाबाद। और आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे फादर का नाम देशपाल सिंह है। देशपाल सिंह जी के लड़के हैं ये, गाँव औरंगाबाद से। तो रोहित, आपने जैसे कि अभी बताया है कि अग्निवीर आर्मी जीडी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी ओपन भर्ती थी या आपके रिलेशन भर्ती थी? दोस्तों, मेरी रिलेशन भर्ती थी। अच्छा, आपके रिलेशन भर्ती थी, यानी कि आपके जो फादर हैं वो एक्स आर्मी मैन हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कौन सा सेंटर है, कौन से सेंटर की भर्ती आपने देखी है? मेरा सेंटर है ASC बेंगलोर, और मैंने रिलेशन भर्ती देखी थी और GD की भर्ती देखी थी। अच्छा, किस टाइम पे ओपन हुई थी भर्ती आपकी ये? मेरी ओपन हुई थी सर 20 सितंबर को। अच्छा, 20 सितंबर, मतलब सितंबर में आपने फॉर्म भरे थे। और एग्ज़ाम कब हुआ था रोहित इसका? इसका एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर को। इसका एग्ज़ाम 13 नवंबर 2022 को हुआ है, और अभी नज़दीक में रिजल्ट आया है सर। कौन सी डेट को आया रिजल्ट? 10 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ गया था। 10 दिसंबर के आसपास बच्चे का रिजल्ट आया है, और इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन जो है हो चुका है। कितनी वैकेंसी थी आर्मी जीडी के लिए आपके सेंटर में? कितनी वैकेंसी थी? हमारे सेंटर में सर 6 वैकेंसी थी जीडी। अच्छा, मात्र 6 वैकेंसी थी इनके सेंटर में, और जिनमें से सभी लोग जो है रिलेशन वाले थे या कुछ NCC वगैरह के भी बच्चे थे? मतलब सभी बच्चे रिलेशन वाले थे, पर उनके पास NCC सर्टिफिकेट भी था। NCC सर्टिफिकेट भी था, यानी कि टोटल 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में से 4 बच्चों के पास में NCC का सर्टिफिकेट था, और बाकी के जो 2 बच्चे हैं उनमें रोहित ने अपनी जगह बनाई है। तो रोहित, ये तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहा होगा, जैसा कि बता रहे हैं कि 2022 का जो आर्मी का या अग्निवीर का जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो उनका लेवल थोड़ा सा जो है एक स्टैंडर्ड जो है उससे थोड़ा सा हाई पूछ रहे हैं, तो मतलब बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत चैलेंजिंग था। 100 बच्चे बैठे थे पेपर देने के लिए। अच्छा, एग्जाम में 100 बच्चे बैठे थे। 100 बच्चों से मैं सर, उनमें से NCC वाले भी थे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके बैटलफील्ड में पापा शहीद हो गए थे, उनके पास वो अलग से सर्टिफिकेट था। उन्हें हमसे पहले प्रायोरिटी मिलती है उनको हर जगह। तो सर, उनके बीच में मतलब बहुत कॉम्पिटिशन अच्छा था, और पेपर भी अच्छे लेवल का आया था, ये नहीं था कि बिल्कुल आसान था। तो सर, उसमें मैंने मेहनत करी तो पेपर में अच्छे नंबर आए थे। अच्छा, तो रोहित, अब आपके थोड़ा सा जो तैयारी का जो सफ़र रहा है उसके बारे में कुछ एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। तो जैसे, चलो ये तो अब एग्ज़ाम हुआ है आपका, एग्ज़ाम हुआ, आपने रिजल्ट देखा, सफलता आपको मिली है, तो आप थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने तैयारी कब से करनी शुरू करी थी? सबसे पहले आपने कोचिंग जो है कहाँ से ली, और किस तरह से अपनी तैयारी शुरू की? सर, मैंने पहली बार कोचिंग 2020 से स्टार्ट शुरू करी थी अपनी, कोरोना के टाइम पे। उस टाइम फुल लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे रोहित आपकी कोई भर्ती थी, आपने ऐसे ही शुरू से ही, मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम से पहले ही आपने जनरली प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया? उस टाइम मेरी कोई भर्ती नहीं थी, और उस टाइम मतलब मेरी एज भी नहीं हुई थी, तो मैं पहले से तैयारी कर रहा था उस आर्मी के लिए। अच्छा, तो मतलब ये आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि आर्मी में जाना है मुझे? सर, क्योंकि मेरे फादर ने भी आर्मी में सेवा दी है, तो मैं भी अपने फादर की तरह आर्मी में जाके देश की सेवा करी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो रोहित, शुरू में जब आपने कोचिंग करना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग से ही आपने आर्मी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू की थी, या जैसा आप बताया जाता है कि आप पहले किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे थे, फिर आपने जैसे अब आपके सेंटर में आर्मी जीडी के लिए भर्ती निकली तो उसके लिए आपने अटैम्प्ट दिया है? ना सर, मैंने तैयारी तो मैं क्लर्क के लिए कर रहा था, आर्मी क्लर्क के लिए। अच्छा। और उससे थोड़ा वैकेंसी मेरे सेंटर में क्लर्क की भर्ती हुई नहीं थी इस साल, तो उसकी वजह से मैंने जीडी के फॉर्म भरे, तो उसके वजह से मैंने फिर जीडी में भर्ती देखी। बहुत बढ़िया, यानी कि रोहित का कहना यह है कि इन्होंने जो प्रिपरेशन की थी वो आर्मी क्लर्क के अकॉर्डिंग की थी, लेकिन ये अपने सेंटर में भर्ती का वेट कर रहे थे, और अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट भर्ती हुई है उसमें क्लर्क की भर्ती हुई नहीं है, तो जैसे ही इनको मौका मिला आर्मी जीडी के लिए भी, क्योंकि देखो इनका सपना देश की सेवा करना है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मैं अपने फादर की तरह जो है एक रियल हीरो बन करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मौका मिला इनको, इन्होंने आर्मी जीडी के लिए फॉर्म भरा और अटैम्प्ट दिया, और पहली बार में ही बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। तो रोहित, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे किस किस तरह से आपने तैयारी की अपनी?
मतलब शुरू में किस तरह से क्या अप्रोच रही आपकी कि भाई पहले क्या पढ़ाया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, कितना समय लगता है असलियत में अगर पूछा जाए तो? सर अगर मतलब आप प्रॉपरली आपको अगर अच्छी तरह से आपको वो कोचिंग लेनी है और अच्छी तरह से आपको मतलब पेपर की तैयारी करनी है तो मिनिमम कम से भी कम बच्चे को एक साल अच्छी तरह से फुल फोकस होके पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एक साल में ही मतलब सिलेबस अच्छी तरह से हो पाता है। और मतलब लॉ के सर और अमित सर के गाइडेंस में मैंने मतलब कोचिंग ली थी और ये मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था इन्होंने, तो उसकी वजह से मैं आज ये सक्सेस हो पाया हूँ। अच्छा, तो रोहित जैसे अभी हमारे समाज में देखा जा रहा है बच्चों को कि जब फॉर्म भर देते हैं या फिजिकल करके आ जाते हैं उस टाइम पर बच्चा कोचिंग के लिए जुड़ता है और उतने कम समय में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है पेपर के लेवल की तैयारी करना, और जैसा कि अब की बार से सन 2022 से तो बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, सिलेबस को भी थोड़ा सा वाइड कर दिया है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे जो बच्चे जो है कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और फिर उनको सफलता कुछ को ही सफलता मिल पाती है, ज़्यादातर जो है फिर निराश होकर अपने घर पर बैठ जाते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर मेरी उन बच्चों के लिए यही सलाह है कि ऐसे ना करें, ये बहुत ही गलत स्टेप है आप लोगों का। आप पहले से ही तैयारी करें उस चीज़ की जिसमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हमें कौन सा एम है, हमारा क्या है, तो बच्चों को उसमें पता होता है, तो उन बच्चों को उसी चीज़ में मतलब पहले से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर तो चाहिए बच्चे को तैयार होने के लिए, तो सर उसमें 1 ईयर तो बच्चों को चाहिए एकदम तैयारी करने के लिए। मतलब रोहित आपका कहना है कि बच्चे ने जब ये ठान लिया है कि मुझे फोर्स में जाना है तो उसके पैटर्न पे बच्चा तैयारी करता रहे और पेपर चाहे उसका नज़दीक में हो या थोड़े दिन बाद हो, वो अपनी तैयारी को बरकरार रखे और जैसे ही उसको मौका मिले वो अपना अटेम्प्ट दे और अपने चांसेस बढ़ाए पहली बार में सिलेक्ट होने के। बहुत बढ़िया। तो रोहित ये जो सफ़र रहा आपका जब, अच्छा पहले आप ना एक बार अपनी एजुकेशन के बारे में और बता दीजिए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है और आगे आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया हुआ है या आगे फर्दर आपकी क्या एजुकेशन जारी है? सर मैंने 12th तक पढ़ाई की हुई है। और 12th आपका किस ईयर में हो गया था, किस सन में आपका 12th मेरा पास हो गया था? सर 2019 में 12th हो गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने BSc में अप्लाई किया था ग्रेजुएशन के लिए, ड्यू से मेरी BSc चल रही थी। बहुत बढ़िया। मेरे सेकंड ईयर तक हो गया है, थर्ड ईयर अभी चल रही है, उसके पेपर भी होने वाले हैं अभी कुछ। अच्छा, यानी कि आप अभी BSc फाइनल ईयर में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यस सर। ठीक है। और रोहित अभी आपकी एज कितनी हो गई है? सर मेरी एज हो गई है 19। 19 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए एक बिल्कुल नया बच्चा है, यंग बच्चा, बिल्कुल यूथ 19 साल का, और मात्र 19 साल की उम्र में बच्चे के पास में सरकारी नौकरी है, अपनी लाइफ को सेटल कर चुका है। तो रोहित जरूर जब आपने अपनी तैयारी शुरू की और अब अंत में जो है सफलता आपके हाथ में है, इस दौर में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिले होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे और आपने उनको किस तरह से पार किया? सर बहुत चैलेंजेस रहे थे, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा मैं इतना अच्छा नहीं था शुरू में, तो जब जैसे मेरे को जब मैं कोचिंग में आया था शुरू में नया, तो मेरे को थोड़ा समझने में या टीचर्स की बातें थोड़ी समझने में मुश्किल होती थी पढ़ाई में। मतलब वो जो रूटीन का पैटर्न रहता है हमारा स्कूल का कॉलेज का उससे थोड़ी अलग हो जाती है पढ़ाई, इस वजह से ऐसा लगता है अलग से होती है मतलब पढ़ाई। तो मतलब जो सर मेरे को यहाँ पे पढ़ाते थे उसको मैं घर जाके भी दोबारा से दो तीन बार प्रैक्टिस करता था, जब जाके मैं उस पर थोड़ी कमांड पा पाता था अपनी थोड़ी। बहुत बढ़िया। तो और क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? और सर ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना के टाइम पे मैंने कोचिंग ली थी, तो कोरोना के टाइम पे तो सबको पता ही है कि बहुत चैलेंजेस आए थे हमारे। हाँ, मतलब आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। हाँ। मतलब सुबह कितने बजे आते थे आप कोचिंग? सुबह सर मैं कोचिंग आ जाता था 9 बजे के आसपास कोचिंग आ जाते थे। अच्छा, और शाम को कितना टाइम तक रहते थे? शाम को हम 3-4 बजे कोचिंग से वापस जाते थे। मतलब 7-8 घंटे तक आप लोग कोचिंग में अपना समय बिताते थे। तो 7-8 घंटे तक क्लास चलती थी या ऐसा था 2-3 घंटे की 4 घंटे की क्लासेस होती थी फिर आप बैठ करके प्रैक्टिस कर देते? क्लासेस चलती थी, मतलब 3-4 घंटे की क्लासेस चलती थी, उसके बाद जो सर हमको पढ़ाते थे उसको हम फिर अलग से बैठ के 2-3 घंटे खुद वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। बहुत बढ़िया। कोई डाउट आता था तो सर के साथ उधर ही उधर क्लियर कर लेते थे। बहुत बढ़िया। तो रोहित प्रैक्टिस का आप कितना रोल मानते हैं, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो को उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिस का कितना रोल है? हालांकि जो भी हमारे भावी फौजी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये तो पता ही है
कि फिजिकल की तैयारी भी प्रैक्टिस से होती है, तो टेस्ट को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जो है आवश्यकता होती है। तो आप कितना रोल मानते हैं कि प्रैक्टिस का कितना रोल है टेस्ट को क्वालिफाई करने में? सर, प्रैक्टिस का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा देते हैं ना कि हमको समझ में आ गया उस टाइम, पर वो बच्चों को एक दो दिन के बाद उसे भूल जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो उसको आप कभी भूलते नहीं उस ज़िंदगी में उस चीज़ को। जैसे बच्चे रेस की इतनी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो जैसे बच्चे रेस में प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर ऐसी बच्चे एग्जाम की प्रैक्टिस करें ना, तो उनको बहुत ही जाके मतलब आगे बहुत फायदा होगा उन बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो रोहित, अंत में आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, जो भावी जो बच्चे हैं, जो भविष्य में जिनको सरकारी नौकरी लेनी है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा सर उनसे यही मैसेज है उन बच्चों से कि मेहनत करते रहिए, किसी की भी मेहनत भगवान रखता नहीं है, सबको उनकी मेहनत का फल मिलता है। बस हाँ, थोड़ा सही फील्ड में मेहनत करते रहिए, और जो सर पढ़ाते हैं आपको, जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है, उसे घर जा कर एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है। और रोहित, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि आपको जो सफलता मिली है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मतलब कौन वो लोग हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में ना होते तो उनके बगैर इस सफलता तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता? सर, ऐसे मेरे हैं, जैसे जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी उस टाइम मतलब मैं थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में, तो मेरे लोकेश सर और अमित सर ने मतलब मेरी बहुत मेहनत करी, मेरे को पढ़ाया अच्छी तरह से, मैथ्स में, इंग्लिश में और जीके साइंस में बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सफलता पा चुका हूँ आज। और मेरे माता पिता, जिनकी वजह से मैं आज इस सक्सेस पहुँचा, उन्होंने मेरे को मतलब आजकल का वातावरण बहुत ही गंदा चल रहा है, उन्होंने मुझे उस वातावरण से बचा के रखा, और उन्होंने मेरे को एक सही गाइडलाइन दी, जिसकी वजह से मैं आज इस सक्सेस पहुँच पाया हूँ। मतलब अगर मेरे जीवन में मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी नहीं होते, तो शायद आज मैं मुश्किल ही इस सक्सेस पर पहुँच पाता। चलिए बच्चों, तो आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है रोहित से, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर से मिलेंगे भविष्य में ऐसी ही एक सफलता की कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।